सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि सूर्य का जो राशि परिवर्तन मेष राशि में होने जा रहा है और 13 अप्रैल को रात को 9:04 पर सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर जाने के बाद सूर्य उच्च के हो जाएंगे और 13 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे, यानी कि एक महीना एक दिन लगभग सूर्य मेष राशि में ही गोचर करता रहेगा। सूर्य ग्रह की जो अवधि है वो एक माह होती है किसी भी राशि में गोचर करने की। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है, मेष राशि में उच्च का और तुला राशि में नीच का होता है। जब सूर्य ग्रह राशि बदलता है तो उस समय को संक्रांति काल कहा जाता है। सूर्य ग्रह द्वारा पिता आत्मा का विचार किया जाता है। सूर्य से ही जो है किसी भी व्यक्ति की सरकारी नौकरी का पता लगाया जाता है, क्योंकि सरकारी कार्य जितने भी है वो सूर्य ग्रह के अंडर में ही आते हैं। घरों के राजा है सूर्य, इनसे ऊंचा पद प्रतिष्ठा ऊंचा मुकाम राज प्रतिष्ठा आरोग्य तेज ऊर्जा पदोन्नति आत्मशक्ति तेज बल देखा जाता है। साथ ही ये कुंडली में जो है किसी भी व्यक्ति कुंडली में जो है विटामिन डी के भी स्वामी हैं, क्योंकि सूर्य से ही विटामिन डी मिलता है। कैल्शियम के कारक हैं और ख़ासकर इनका प्रभाव व्यक्ति के हड्डियों पर रहता है, यानी हड्डी के जितने जोड़ है हड्डी शरीर के जोड़ और हड्डियों पर जो है इनका विशेष प्रभाव रहता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बड़ा मजबूत है, सूर्य की स्थिति काफ़ी मजबूत है, तो जातक की सरकारी नौकरी भी अच्छी होगी, तेज होगा, लंबा चौड़ा कद होगा, उसके शरीर चेहरे पे भी तेज झलकता है, ऊंचा पद उसके पास होगा, खासकर हड्डी में भी कोई रोग नहीं होगा, साथ ही शरीर हष्ट पुष्ट होगा, क्योंकि सूर्य आत्मा मजबूत है तो शरीर में सभी प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं। इसे कैल्शियम कारक ग्रह कहा गया है। हड्डियों का भी इसके मजबूत होने से जाता है कि कई तरह की बीमारियां खुद में खुद ठीक हो जाती हैं और उन जातकों की सरकारी नौकरी भी बहुत जल्दी लग जाती है। मगर अगर सूर्य आपका कमज़ोर है, कमज़ोर अवस्था में है, तो ना ही आपकी सरकारी नौकरी लगती है, सरकारी कार्यों में बड़ी बाधाएँ आती है, साथ ही हड्डियों में कोई ना कोई दिक्कत आती है, कैल्शियम की कमी आपको हो सकती है। और जैसे बताया पिता और आत्मा का कारक भी है, तो पिता से भी आर्थिक लाभ व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सूर्य मजबूत होगा पिता भी आपके मजबूत हो गए आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, अगर सूर्य कमज़ोर होगा तो आपके पिता भी कमज़ोर होंगे। बात हो रही है आज मेष राशि के लिए सूर्य क्या परिणाम देगा, एक महीना सूर्य कैसा रहेगा। इस समय सूर्य ग्रह जो है बृहस्पति के साथ हो जाएंगे, सूर्य मेष राशि में केंद्र में रहेगा और उच्च का हो जाएगा। उच्च का जो सूर्य है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जो मेष राशि के जातक हैं, मेष राशि की हम बात कर रहे हैं, तो मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा एक महीना। और जब बृहस्पति के साथ होता है तो मान सम्मान दिलवाता है, कार्य क्षेत्र में तरक्की करता है, आने वाली जो बाधाएं हैं सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करता है। सूर्य एक ऊर्जा कारक ग्रह है और यहाँ उच्च का है, उच्च का सूर्य केंद्र में है और यहाँ पे शिक्षा क्षेत्र का स्वामी है आपकी कुंडली में और संतान का, तो इस समय जो है एक तो आत्मविश्वास मजबूत होगा जो मेष राशि के जातक हैं, दूसरा कार्य कुशलता अच्छी रहेगी, कार्य क्षेत्र आपका मजबूत रहेगा और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो आपकी निखरेगी और भी उसमें सुधार आएगा। खासकर संतान पक्ष मजबूत रहेगा, किसी संतान का आगमन हो सकता है घर में, किसी पुत्र का जन्म आपके हो सकता है जो मेष राशि के जातक हैं, सट्टे लॉटरी में भी लाभ रहेगा इस समय। अगर कोई शेयर बाजार का म्यूचुअल फंड का काम करता है जो मेष राशि का है तो एक महीना आपके लिए उथल पुथल हो सकती है, शेयर बाजार से भी आपको इनकम होगी। और बृहस्पति भी इस समय अपनी दृष्टि से जो है प्रभावित कर रहा है आपके नौकरी क्षेत्र को, कार्य क्षेत्र को, आपके भाग्य स्थान को और साथ ही पत्नी स्थान को, तो एक तो
जीवन साथी का भी पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, साथ ही साझेदार से भी मध्यम लाभ रहेगा। जो साझेदार आपके बिजनेस व्यापार में है, आपके साथ साझेदारी करते हैं, उनका सपोर्ट मिलेगा, व्यापार में जो है आपको लाभ होगा। और जीवन साथी से भी जो है आपको उत्तम लाभ होगा। जो जीवन साथी आपका है वो आपको सपोर्ट करेगा, चाहे वो कैसे भी हो, धन से हो या आपके कार्य क्षेत्र में हो, मतलब आपको पूरा सहयोग आपको देगा जो आपका जीवन साथी है। बात करें आपके भाग्य की, तो भाग्य आपका समय प्रबल रहेगा, क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्वामी होकर भाग्य स्थान को ही देख रहा है अपने, तो भाग्य तो आपका अच्छा रहेगा। भाग्य उन्नति तो निश्चित है, कहीं धार्मिक यात्रा आप ही करवा सकता है, धर्म के कार्य से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। साथ ही कोई तीर्थ यात्रा करनी पड़ सकती है आपको, यानी धर्म संबंधी काम काज आपको चलते रहेंगे, आपका मन भी देवदान धर्म में लगा रहेगा। और शनि महाराज इस समय आपका कर्म क्षेत्र का लाभ का स्वामी होके मंगल के साथ हैं, तो पिता से भी लाभ होगा, नौकरी में अच्छा सुधार होगा, व्यापार में तेजी आएगी, व्यापार कर रहे हैं तो उसमें बढ़ोतरी होगी, अपने बड़ों से लाभ होगा और इनकम के जो स्रोत है वो आपके बढ़ेंगे, यानी कि आय आपकी बढ़ जाएगी। अब काम काज आपका अच्छा रहेगा। राहु मीन राशि में है और केतु जो है इस समय तुला थोड़ी कन्या राशि में है। केतु राहु का मीन राशि में होना विदेश यात्राओं का निर्माण कर रहा है, कोई बाहरी क्षेत्र में आपको जाना पड़ सकता है, चाहे अदर स्टेट हो, कहीं अदर सिटी हो या फॉरेन कंट्री हो, आपको कहीं यात्रा जो है एक दो करनी पड़ सकती है, कार्य क्षेत्र को लेकर, चाहे पढ़ाई को लेकर, चाहे व्यापार को लेकर, तो यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा आपके लिए अच्छी रहेगी। केतु आपका जो है कन्या राशि में गोचर कर रहा है, केतु का कन्या राशि में होना जो है मेष राशि के जातकों के लिए ठीक रहेगा, कहीं कंपटीशन एग्जाम में सफलता दिलवा सकता है आपको, हालांकि शरीर में रोग ग्रस्त रख सकता है आपको, कोई पुराना रोग उभर सकता है जो मेष राशि वाले हैं, मगर कर्ज समाप्त होगा आपका, कर्ज की स्थिति सामान्य हो जाएगी। साथ ही वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होगा, जमीन जायदाद से जुड़े हुए कुछ मसले आपके जो हल हो सकते हैं। ये जो एक महीना मेष राशि वालों का है, मेष राशि और मेष लग्न वाले हैं, तो ये एक महीना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इस समय जो है कई तरह के काम जो आपको सुधार आएगा, और जो कुछ रुके हुए काम हैं मेष राशि वालों के, वे काम भी जो है आपके पूरे हो जाएंगे। तो ये था मेष राशि के राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।